हेलो एवरीवन आज हम कवर करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर एट जहाँ पर आपको कॉमन साइज बोला गया है इनकम स्टेटमेंट का ठीक है सो कॉमन साइज में आपको पता है कि पहला तो फॉर्मेट जो है वो आपका ऊपर आपको लिखना है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एज ऑन दोनों ईयर्स के नाम पर्टिकुलर्स फिर आपका ईयर आएगा और उसके बाद उसका परसेंटेज सेम ईयर और परसेंटेज ठीक है सेल सबसे पहला इसको हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज करेंगे बाद में उसके परसेंटेज के बारे में देखेंगे तो पहले सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो होता है वो होता है आपका सेल्स दोनों तो दोनों साल के अमाउंट्स आपको दिए हुए हैं तो वो लिख देते हैं टू लाख और टू लाख फिफ्टी थाउजेंड फिर सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है सो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है वन लाख फिफ्टी और वन लाख सेवेंटी थाउजेंड दोनों को जब आप माइनस करेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो आपको देगा ग्रॉस प्रॉफिट तो माइनस करेंगे टू लाख माइनस वन लाख फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड वैसे टू लैख फिफ्टी माइनस वन लैख सेवेंटी एटी थाउजेंड उसके बाद लेस क्या आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लेस करेंगे ओके सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों दिए गए हैं तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना दिया फोर थाउजेंड और सिक्स थाउजेंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है सिक्स थाउजेंड और वन थाउजेंड ओके इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे हमें क्या मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स राइट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस करते हैं राइट right? तो वो कितना आ जाएगा टोटल फोर और सिक्स टोटल टेन थाउजेंड है राइट फिफ्टी थाउजेंड में से टेन थाउजेंड माइनस करेंगे अमाउंट आ जाएगा फोर्टी वैसे ही एटी थाउजेंड में से सिक्स और वन सेवन थाउजेंड माइनस करता हूँ अमाउंट आएगा सेवेंटी थ्री थाउजेंड क्लियर अब यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट के केस में जो आपका नेट सेल्स होता है उसके अमाउंट को आप क्या कंसिडर करते हो हंड्रेड और अकॉर्डिंगली आप बाकी सारे अमाउंट्स क्या करेंगे फाइंड करेंगे सो so, दो ऑप्शन है वन फिफ्टी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इन टू हंड्रेड डिवाइड बाई टू करेंगे सेवेंटी फाइव वैसे फिफ्टी थाउजेंड इं हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू लैक वो आपको मिलेगा ट्वेंटी फाइव फोर थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू लैक राइट सो ये हंड्रेड और टू लैक आपका बेस है बराबर उसी को लेकर आप बाकी के सारे के सारे कॉमन साइज अमाउंट्स क्या करेंगे फाइंड करेंगे सिक्स थाउजेंड इं हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू लैक आएगा थ्री वैसे फोर्टी थाउजेंड इं हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू आंसर आएगा ट्वेंटी सेम नेक्स्ट ईयर का भी आपका जो नेट सेल्स का अमाउंट है उसे आप हंड्रेड लेंगे बाकी सारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वन लाख सेवेंटी इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू लाख फिफ्टी फिर एटी थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू लाख फिफ्टी वन लाख वो सॉरी वन थाउजेंड इंटू हंड्रेड बाई टू फिफ्टी जीरो पॉइंट फोर आएगा सेवेंटी थ्री थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू लाख फिफ्टी ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू जीरो क्लियर है सो कॉमन सेल्स के केस में आपको एक अमाउंट को बेस कंसीडर करना होता है बैलेंस शीट के केस में हम टोटल फंड को यानी कि आपका जो बैलेंस शीट का एसेट या लाइबिलिटी का टोटल जो होता है उसे हम हंड्रेड कंसीडर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट के केस में आप नेट सेल्स के अमाउंट को हंड्रेड कंसिडर करते हो और बाकी सारे आप अमाउंट्स फाइंड करेंगे क्लियर है सो so, यहाँ पर हमारा कॉमन साइज का ये लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इसके नेक्स्ट आगे के सम्स हमारे जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पर है तो इसके लिए आपको सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट सीखना होगा और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन कवर करेंगे ओके सो so, अगर आपको हमारे ये वीडियोज़ पसंद आते तो वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच इन्हें शेयर ज़रूर करें बाय टेक केयर